小声一点。तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे बारबॉन के बिस्किट, और ये मैंने 2 पैकेट बिस्किट लिए हैं, और इन्हें हम तोड़ के डाल देंगे मिक्सर के जार में, मिक्सी के जार में, ये देखिए इस तरीके से। और ये पूरे 2 बिस्किट लिए हैं मैंने, बारबॉन बिस्किट लिए हैं, तो ये देखिए इन्हें अच्छे से इसके अंदर तोड़ के हम डाल देंगे। और इसके बाद इसका एक पाउडर सा बना लेंगे पीस करके, इस तरीके से ये इसका पाउडर बन गया है। और अब इसे एक बड़े बर्तन में हम डाल देंगे इस तरीके से पूरा पाउडर। और अब इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना दूध इस्तेमाल करेंगे, डालेंगे इसके अंदर, और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से। देखिए इसको चलाते चलाते बिल्कुल एक भी लम्स ना रहे, तो उस हिसाब से इसको डालना है और मिक्स करना है। और अब इसमें डालेंगे हम एक इनो, एक पूरा पैकेट इनो का डालेंगे, फ्रूट सॉल्ट भी बोलते हैं इसे। तो इसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब एक हमने मोल्ड ले लिया है और उसे हल्का सा घी से ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर पेपर, उसी शेप में काट के राउंड शेप में मैंने इसमें लगा लिया है। और इसमें अब हम इसको भी ग्रीस कर लेंगे देसी घी के साथ में, आप चाहें तो बटर से भी इसे ग्रीस कर सकते हैं। और अब जो हमने बैटर बना के रखा था बारबॉन बिस्किट का, वो हम इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरा इसमें शिफ्ट कर लेंगे, और अब इसे हम हल्का हल्का डैप कर लेंगे, डैप डैप कर लेंगे। थोड़ा सा स्पून से पहले फैला लिया है मैंने हल्का सा, और अब इसे इस तरीके से स्लैब पे थोड़ा सा डैप डैप कर लेंगे। और अब हम लेंगे मीडियम फ्लेम पे एक कढ़ाई, और उसको थोड़ा सा प्री हीट कर लेंगे, और उसमें ये इस तरीके से सांचा रखेंगे, और ये जो पूरा बैटर है ये मोल्ड के साथ में इसमें रख देंगे। और अब इसका ढक्कन हम ढक लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और जो ये ढक्कन है इसके ऊपर एक होल बना होता है, जहाँ से कि छेद होता है, जहाँ से कि एयर बाहर नहीं जाती है, तो हल्की हल्की जाती है, तो उस पर हमने हल्का सा बटर पेपर रोल करके लगा दिया है। और ये पेपर लगा देने से ये रहता है कि अंदर की जो भाप होती है वो बाहर नहीं जाती, और केक जो है वो जल्दी बन जाता है। तो ये विद इन 15 मिनट्स में केक हमारा रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। तो एक टूथपिक लेंगे और उससे हम चेक करके देख लेंगे, तो ये देखिए इसमें बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो इट मीन्स कि ये पक चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए तब तक हम चॉकलेट का मिक्सचर बना लेते हैं। तो कुछ चॉकलेट्स लिए हैं मैंने डेयरी मिल्क की, और इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया, और इन्हें अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से इन्हें हल्का हल्का मेल्ट कर लेंगे हम, ये देखिए एक मेल्टेड पेस्ट बन गया है। अब हम जो केक है उसको निकालेंगे इसमें से, केक जो है हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे इस तरीके से पलट लेंगे प्लेट पर, और ये देखिए ये उल्टा कर लिया है। अब ये जो बटर पेपर है इसे हम हल्का आराम आराम से इसे ईजिली निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे। और ये देखिए ये केक जो है ये काफ़ी स्पंजी बना है, मैं आपको एक बार इसकी लेयर्स दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से कितना स्पंजी है ये। अब हमने जो चॉकलेट बनाया था चॉकलेट का पेस्ट, वो इस पे डालेंगे और आराम आराम से इस तरीके से देखिए स्पून से डाल देंगे इसके ऊपर। तो आराम आराम से इसे इस तरीके से फैला लेंगे पूरा अच्छे से, और ये लग रहा है ना कितना ही बढ़िया केक। और वैसे भी लॉकडाउन है तो बाहर से केक क्यों मंगाना, इस तरीके से आप बच्चे के लिए केक बनाइए और बच्चे खुश हो जाएंगे। और अगर किसी का बर्थडे हो तो भी आप ऐसे बिस्किट का केक बना के ट्राई कर सकते हैं, और यकीन मानिए ये खाने में बिल्कुल ब्राउनी का टेस्ट देता है। तो अब ये देखिए इस तरीके से चॉकलेट हमने इस पर डाल दिया, पूरा स्प्रेड कर दिया अच्छे से। और अब मैं कुछ स्प्रिंकल्स हैं मेरे पास में, तो इन्हें इसके ऊपर से डाल दूंगी, थोड़े से कलरफुल हैं, तो इन्हें मैं राउंड शेप में इस तरीके से हल्का हल्का स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये देखिए। और ये हमारा बर्थडे केक बनके तैयार हो चुका है बिस्किट वाला। और कोई मैंने इसमें ओवन यूज़ नहीं किया, कोई अंडा नहीं डाला है इसके अंदर, कोई मैदा नहीं यूज़ किया है। तो और अब इसे आप चाहें तो 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लें, तब ये सेट हो जाएगा अच्छे से, और उसके बाद आप निकाल के इसको यूज़ करें। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और ये देखिए मैं एक बार दिखा देती हूँ, ये वाले सीड मिक्स हैं जो स्प्रिंकल्स मैंने इसके ऊपर डाले हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।